हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल एग्जाम पार में स्वागत है। तो आज की जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर के है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने दोबारा कट ऑफ जारी कर दिया है। देखिए, ये आज के डेट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दिनांक 15 दिसंबर 2018, जो कि आज ही के डेट में नोटिफिकेशन आया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो कट ऑफ अगली मेरिट कट ऑफ जारी हुई थी उसमें मेरिट हाई थी, इस बार मेरिट को लो कर दिया गया है। जो कि जनरल का कट ऑफ इस बार है 215.58625, और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का जो कट ऑफ है और ओबीसी का कट ऑफ आपको बता देते हैं। ओबीसी का कट ऑफ जो है 204.74744484 है, और अनुसूचित का जो है 172.94459 है, और अनुसूचित जनजाति का जो है 135 पॉइंट समथिंग। ठीक, तो ये आपका कट ऑफ दिया हुआ है। और जो स्पेशल कट ऑफ जिनका था, जैसे होमगार्ड, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, महिलाओं का जो कट ऑफ था वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो देख लीजिए, स्वतंत्रता सेनानी का जो कट ऑफ था 60, जो कि अपरिवर्तित है। भूतपूर्व सैनिक का 60 है, और महिलाओं का इस बार कट ऑफ थोड़ा नीचे गया है, डाउन हुआ है 181.5322, ये जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और होमगार्ड का जो कट ऑफ है वो अपरिवर्तित है, वो है 60 नंबर। अर्थात जो इसके इतने नंबर के एक्यूरेट हैं उनका सिलेक्शन पक्का है, उनको बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो डेट कब रखी गई है, महत्वपूर्ण डेट क्या है, चलिए उसको बता देते हैं। तो दोस्तों, जो अभिलेखों का और शारीरिक मापदंड का जांच के लिए बुलाया जाएगा, वो डेट आपको निर्धारित की गई है 26/12/2018, संभावित डेट है। लगभग 26 से आपको बुलाया जाने लगेगा। और जो आपका जो आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि बोर्ड ने जारी किया है वो 20 दिसंबर, अर्थात 20 दिसंबर से आपका क्या है, एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट, यूपी पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं, सॉरी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका नंबर आपके कट ऑफ के हिसाब से है तो आपका एडमिट कार्ड अवश्य जारी होगा। आप परेशान ना हो, आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखें और अपने फिजिकल पर ध्यान दें दोस्तों। तो चलिए, आगे कुछ नोटिफिकेशन है जिसको मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है आपके अभिलेखों को लेकर, खास करके जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इन सभी के बारे में है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो जो भी अभ्यर्थी हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए वो होना चाहिए 1/4/2017 से पंजीकरण की अंतिम तिथि 22/2/2018 तक निर्गत होना चाहिए, अर्थात जारी हो जाना चाहिए। 22/2/2018 तक का बना होना चाहिए, उसके बाद का मान्य नहीं होगा। उसके पहले का जो डेट दिया हुआ 1/4/2017 से 22/2/2018 तक ही मान्य होगा। जो दूसरा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र पंजीकरण की अंतिम तिथि कब होनी चाहिए, 22/2/2018 तक अंतिम, उसके पहले का बना होना चाहिए। और तीसरा है, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति का जो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए वो वर्तमान समय का होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अर्थात भर्ती से समय का होना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए, जो इस बात का प्रमाण हो कि अभ्यर्थी अभ्यर्थन की अवधि से उत्तर प्रदेश का निवासी था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, यदि आप सोचते हैं कि किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसके दावा करेंगे, तो यहाँ भर्ती बोर्ड ने साक्षात लिख दिया है, यदि भी इस सूचना की वेबसाइट पर किए जाने पर सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा, और ना ही त्रुटिपूर्ण अंक का किसी भी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त हो या अमान्य होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब बोर्ड ने सूचित कर दिया है कि किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये देख लीजिए, यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है, अतः जो सूचनाएं इस सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रहे हैं उसके संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 102/2005 के अंतर्गत पृथक में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जाएगा। तो ये थी आपकी बोर्ड के द्वारा दी हुई सूचना,
जो कि आज की डेट में इशू की गई है। यहाँ देख सकते हैं अपर सचिव भर्ती उत्तर प्रदेश प्रवृत्ति बोर्ड लखनऊ द्वारा यह सूचना दिया गया है। तो पुनः एक बार आपको कट ऑफ बता देते हैं दोस्तों, जो जनरल का कट ऑफ है वो 215.5826। इसके अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी आएंगे उनको बुलाया जाएगा। इसमें सेम नंबर वालों को विशेष ध्यान दिया गया, जैसे किसी का नंबर समान है तो उसके भर्ती के जो नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से ऐड किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है 204.7448 और अनुसूचित जाति का जो है 172.94 और अनुसूचित जनजाति का जो है 135.107 और स्वतंत्रता सेनानी का 60, भूतपूर्व सैनिक का 60 और होमगार्ड का 60, महिलाओं का 181.53222। तो ये है कट ऑफ दोस्तों। आप 20 दिसंबर को अपना एडमिट कार्ड अवश्य चेक करें और यदि आपका एडमिट कार्ड जारी होता है तो आप अपना वेरिफिकेशन कराएं और भर्ती में शामिल हो। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका एडमिट कार्ड जारी हो और आप इस भर्ती में दोबारा कट ऑफ में शामिल हो। थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।